हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस का एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब जो है वो है जेनेटिक मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे मतलब है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है, ये जो टर्म है वो किसने दी है, टर्म गिवन बाय ऑल्टमैन। ऑल्टमैन नाम के एक शख्स थे जिन्होंने जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड जो है टर्म जो नाम दिया है। दो तरीके के जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है वो है आरएनए, दैट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और सेकंड जो है हमारा डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो है हमारा जो डीएनए और जो आरएनए होता है वो हमारा फोली न्यूक्लियोटाइड को जो है रिप्रेजेंट करता है। डीएनए एंड आरएनए रिप्रेजेंट पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मैंने जैसा कि आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ा दिया था, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारा नाइट्रोजन बेस होता है प्लस शुगर होती है और उसी के साथ साथ हमारा एक और चीज़ होता है, दैट इज़ फॉस्फेट। अब जब दो एडजेसेंट, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब जाके जो है हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है बनेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है उसके अंदर जो है हमारे दो एंड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर, थ्री और फिफ्थ बॉन्ड पर, थ्री एंड फाइव बॉन्ड एंड। अब जो है इतना पढ़ने के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है जो हमारा डीएनए है, डीएनए इसको जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय इन साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिच मिशर। इस पर जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो आपको जो है ये याद होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड में हमने इतना देखा। मैंने यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि डीएनए और जो आरएनए हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड नहीं होते, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है दो न्यूक्लियोटाइड के जो है ग्रुप होंगे जो कि एडजेसेंटली जॉइंड होंगे, यानी एक के बाद एक जॉइंड होंगे और उनका जो दो एंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो दो एंड होंगे वो थ्री एंड फाइव एंड होंगे। सो लेट्स गेट एंड सी द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। अब जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में वो होता है हमारा फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी जो फॉर्मेशन है ये मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पर जो है बना के रख रखी है। बना के क्या, मैंने जो है एक जगह से फ़ोटो जो है इशू करवा के जो है रख रखी है। इसमें जो है मैं आपको समझाता हूँ, इस स्ट्रक्चर से जो है आप बहुत पहले से ही परे होंगे। इस एक स्ट्रक्चर को मैं जहाँ जहाँ जो है डॉटेड लाइन से जो इनसर्कल कर रहा हूँ, इस एक स्ट्रक्चर को जो है हम लोग कहते थे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक नाइट्रोजन बेस होता है, तो ये जो बेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेस के बाद मैंने आपको बताया था पेंटोज शुगर होती है, तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है ये हमारी पेंटोज शुगर है। उसके बाद उस पर जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ जो है हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो देखने को मिलेगा जो कि सेम इसी की तरह है। जब ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड नंबर वन है ये, और ये जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड नंबर टू है। जब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, जुड़ने पर जो है इनका जो यहाँ पर फॉस्फेट आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है वो इनके एक OH, यानी यहाँ का जो फॉस्फेट है हमारा वो इनके एक OH से जो है लिंक हो जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके का जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो यहाँ से लिंकेज हो जाती है, और ये जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। हम जो है आरएनए और डीएनए को जो है डाई न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं।
तो आई होप आपको जो है डाई ईस्टर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जो है लिख सकते हैं। अगर आपको अब तक सब चीज़ समझ आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो अब जो है हमारा दूसरी बात आती है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए जो है हमारा डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? सबसे पहले ये जो इस पॉइंट पे जो है क्वेश्चन आता है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल डीएनए भी कहते हैं, वो जो है हमारे वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने जो है दिया है, वॉटसन एंड क्रिक। और इसका जो है ईयर भी कई बार जो है पूछा जाता है, तो इन 1953 जो है ये जो है दिया गया था इसका मॉडल, और इसके लिए जो है इनको जो है नोबल प्राइज़ भी जो है मिला है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये बात सबको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट हैंडेड और कॉइल्ड। अभी जो है मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तब जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी इस पॉइंट्स को जो है मैं नहीं लिख रहा, इसके बाद जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पर, तब जो है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जो बैकबोन होता है हमारे बायोलॉजिकल डीएनए का, बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल डीएनए, बायोलॉजिकल डीएनए को मैं बीडीएनए से जो है डिनोट करूंगा। बैकबोन जो होती है हमारे बायोलॉजिकल डीएनए की, वो किससे बनी हुई होती है? इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट। अल्टरनेट पोजीशन पर जो है शुगर होता है और फॉस्फेट होता है, उसी से जो है हमारी बैकबोन बनी हुई होती है, या फिर कह सकते हैं जो मेन जो चीज़ होती है वो शुगर और फॉस्फेट ही है, जो कि बायोलॉजिकल डीएनए को जो है बनाती है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें बायोलॉजिकल डीएनए के अंदर, आपको पहले बता दूँ, दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब भी अभी आपको समझ आएगा, एंटी पैरेलल भी जो है मैं आपको अभी नेक्स्ट ही स्लाइड पर समझाऊंगा। दो जो स्ट्रैंड्स हैं वो जॉइन किस किस बॉन्ड से होते हैं? टू स्ट्रैंड्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बिटवीन बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स। तो जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो जॉइंड होती हैं एंटी पैरेलली। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइड एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट। सो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है बेस देखने को मिलता है बीच में, और बेस जो है किससे जॉइंड होती है? बेस, जैसे ये एडिनाइन बेस है और एक थायमीन बेस है, जो कि मैंने आपको पीछे क्लासेस में जो है पढ़ाया भी है। तो ये जो दोनों है वो हाइड्रोजन से लिंक्ड होती है, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन होता है, जो कि हमने पीछे पॉइंट जो है कवर किया है। ग्वानिन और जो साइटोसाइन है ये भी जो है एक बेस होता है, और ये जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए जो है ये दोनों जॉइंड होता है। और एंटी पैरेलल का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा, जो एक दूसरे के साथ चल रही है। देखिए ये हमेशा जो है एक दूसरे के कभी पैरेलल है कभी नहीं पैरेलल है। और ये जो है हमारा, जैसा कि हमने नेक्स्ट पिछली ही स्लाइड में पढ़ा था, यहाँ पर जो है हमारा बैकबोन जो है बायोलॉजिकल डीएनए का, वो किससे बना होता है? अल्टरनेट फॉस्फेट एंड शुगर, यहाँ पर मेरे को फॉस्फेट एंड शुगर जो है लिखना है, फॉस्फेट और जो शुगर है वो अल्टरनेटली जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा शुगर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसी से मिलकर जो है ये बना हुआ होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स। इसको जो है हम लोग स्ट्रैंड वन कहते हैं, एस वन, किसी को भी कह सकते हैं आप। इसको जो है हम लोग स्ट्रैंड टू, दैट इज एस टू। अब इसके अंदर जो है एक मेन चीज़ और जो है हमें समझनी है, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड पेयर। दो एडजेसेंट बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। ये जो है हमारे दो एडजेसेंट बॉन्ड पेयर के बीच में जो है डिस्टेंस है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो जहाँ पर कट लग रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो इसको जो हम कहते हैं मेजर ग्रूव कहते हैं, और इसको जो हम कहते हैं माइनर ग्रूव कहते हैं। ये जो है हमारे बेसिस हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बता दिया, दो नाइट्रोजन के बीच में जो है
हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और जो ये दो हमारे दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, और जो इसके दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 नैनोमीटर है। इसके डिस्टेंस पर क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, इसके डिस्टेंस पर क्वेश्चन आए हैं और आते भी हैं, तो आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है। इसको अगर कोई सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बीपी का मतलब है बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेयर ब्लड प्रेशर कोई ना समझे, इसको बॉन्ड पेयर है इसका जो फुल फॉर्म है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है दो स्ट्रैंड्स के बीच का वो होता है हमारा 20 नैनोमीटर। जो हमारा डायामीटर होता है बायोलॉजिकल डीएनए का, डायामीटर ऑफ बायोलॉजिकल डीएनए, ये ऐसे करके जो है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो 20 नैनोमीटर है इसको जो है हम लोग जो हमारा यहाँ पर जो आपको 20 नैनोमीटर दिख रहा है इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लोग एमस्ट्रॉन्ग में भी जो है कन्वर्ट करके जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको जो है इसका भी जो इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखना है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो चारगफ्स रूल है। चारगफ्स रूल कहता है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो हमारे नंबर ऑफ प्यूरिन्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है प्यूरिन्स क्या होते हैं, अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ प्यूरिन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पिरामिडीन्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पिरामिडीन्स। अब इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एडीनाइन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनाइन को जी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से डिनोट करते हैं, साइटोकाइन को सी से डिनोट करते हैं, इन सब का जो एक फार्मूला होता है वो ये फार्मूला है। इस फॉर्मूले को जो है आपको याद रखना है, अगर आपको कोई भी नाइट्रोजन बेस निकालना होता है आप इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। सो पीछे हमने देखा था चारगफ्स रूल, तो अब हम लोग जो है देखेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। तो आरएनए जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मोस्टली ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो ज़्यादातर जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड। और डबल स्ट्रैंडेड जो है उसको जो हम एक और तरीके से लिखते हैं, जो कि आपने कई जगह बुक में जो है नोटेशन देखी होगी, डबल स्ट्रैंडेड को डीएस करके लिख दिया जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड को एस कैपिटल और एस एक छोटा करके जो है लिख दिया जाता है। अब जो अगर हम लोग इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हमारे जो है मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्टली, बहुत सारे जो हैं सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं पर सारे नहीं होते, जैसे कि हमारा रियो वायरस हो गया, ये जो है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, हमारे वाउंड ट्यूमर वायरसेस हो गए, अगर मैं आपको डीएनए के एक्सेप्शंस बताऊं तो उनमें से हमारा पहला एक्सेप्शन है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, और भी इसके जो हैं एक्सेप्शन हैं, हमें अभी इस लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आरएनए और डीएनए के बीच में होता है, इनके अंदर जो है हमारे राइबोस शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, राइबोस शुगर प्रेजेंट, और जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर जो है हमारी डी ऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। हमारा जो आरएनए होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है एडीनाइन, तो एडीनाइन जो होता है मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एडीनाइन को मैं ए से डी नोट करूंगा, गुआनाइन को जी से, साइटोसाइन को सी से, और जो अगर यूरेसिल है तो उसको जो है मैं यू से डिनोट करूंगा। अगर आपको एडीनाइन गुआनाइन साइटोसाइन यूरेसिल में कोई दिक्कत है तो आप जो है पिछला लेक्चर जो है रेफर कर सकते हैं। जो हमारा डीएनए है उसके अंदर जो हमें नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है वो होता है गुआनाइन, एडीनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन। अब जो है इसके अंदर जो हमारा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वो होता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्यूरिन्स और जो नंबर ऑफ पिरामिडीन्स है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है कवर करा रखा है। नंबर ऑफ प्यूरिन्स
और जो नंबर ऑफ पिरामिडेंस हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। बट अगर डीएनए में देखें तो हम जो हमारे नंबर ऑफ प्यूरीन्स हैं वो बराबर होते हैं हमारे नंबर ऑफ पिरामिडीन्स के, पिरामिडीन्स। जो हमारे आरएनए हैं वो ज़्यादातर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप जानते हैं जो आरएनए होता है वो ज़्यादातर हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो हमारा डीएनए होता है वो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है आरएनए और डीएनए के बीच में वो है, इसका जो रोल होता है आरएनए का वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है इसका रोल होता है, SYNTHESIS, सिंथेसिस। हमारा जो डीएनए होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका कोई भी रोल नहीं होता प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, वो जो है एक जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप ऑफ डीएनए। हम जो है कुछ तरीके के जो है डीएनए देखेंगे, जिसमें से अगर बेसिस मैं बताऊं किस बेसिस पर जो है हमने डीएनए को क्लासिफाई कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस है उसका नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। हर एक टर्न पर जो है कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स पर टर्न। मैंने जो आपको अभी डीएनए का स्ट्रक्चर समझाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो है कैसे अरेंज होते हैं। उसके बाद जो है इनका कॉइलिंग टाइप कैसा है, उसके टाइप पर जो है उसके बेसिस पर जो है हमारे पास कुल 5 तरीके के डीएनए हैं। सबसे पहला ए डीएनए होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास बी डीएनए होता है, बी डीएनए मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल डीएनए जिसे कहते हैं, सी डीएनए थर्ड होता है हमारा, उसके बाद हमारा होता है डी डीएनए, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ डीएनए होता है वो जेड डीएनए होता है।